ये 4 दिन अपना सर्दी में मरने का वहाँ बैठने का ये नतीजा है कि हमें हमारी आज पायलट साहब से बात हुई है, ठीक है। और आप लोग सब मीटिंग के साक्षी है, सब लोग साथ में हो। पायलट साहब ने पूरा मैटर अपना सुनी लिया ढंग से और पूरी जो बात थी कि कहाँ से ये स्क्रीनशॉट वायरल हुआ है, कब बोर्ड में शिकायत दी है और अभी तक इसको लेके FIR दर्ज नहीं है और हम चाहते हैं जांच इसकी हो जाए। यही मुद्दा है ना, जांच होनी चाहिए अपनी। पायलट साहब ने कहा है कि वो CM साहब को लेटर लिखवा रहे हैं, ठीक है, और भी कई जगह वो लेटर भिजवाएंगे जिससे इस भर्ती की जांच हो सके। जांच का ही मुद्दा है, पढ़ा दो। अरे भाई, जांच होगी तो सारे काम अपने आप हो जाएंगे ना। तो अब अपने को ये करना है कि पायलट साहब ने CM साहब को इनको बोल दिया है कि इस भर्ती की जांच कराई जाए और मुझे विश्वास है कि जांच इसकी जरूर होगी। जो हम 3-4 महीने से प्रयास कर रहे थे लगातार कि स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है इसका, कुछ लोगों को पकड़ा गया है लेकिन अभी वो गिरफ्तार नहीं हुए। सांगनेर थाने में हमारा प्रयास काफी दिनों चल रहा है लेकिन उन्होंने हमारी FIR नहीं लिखी थी। तो मुझे विश्वास है कि FIR भी लिखी जाएगी और जांच भी होगी और दोषियों को पकड़ा भी जाएगा, ठीक है। अब हमारा प्रयास लगातार जारी रहेगा जब तक जांच के आदेश जारी नहीं हो जाते, जब तक हमें ये मिल नहीं जाता कि हमारी जांच स्टार्ट कर दी है इस भर्ती की, तो जब तक हमारा धरना चालू रहेगा। आप ये 4 दिन के धरनों की 4 दिन के अपना जो धरना प्रदर्शन है उसी की बदौलत है कि पायलट साहब ने आज हमें समय दिया है और 3-4 दिन और बैठोगे तो हो सकता है कि CM साहब भी खुद ही बुला लें। ये हमारी सबसे बड़ी सफलता होगी। तो लगातार धरना जारी रखेंगे, जहाँ हमारा धरना स्थल है जवाहर कला केंद्र के पीछे जहाँ विधायक का क्वार्टर है, ठीक है। तो सबसे अब निवेदन है कि एक एक करके सारे लोग, अभी हमें सुभाष गर्ग से मिलना है तकनीकी शिक्षा मंत्री से, तो सारे लोगों से निवेदन है कि एक एक करके धरना स्थल पे पहुंचे, ठीक है। धन्यवाद। सुनो सुनो सुनो, देखो राजस्थान सरकार है ना, टीवी में, ठीक है, यहाँ से तो मिल लिए बच्चों पर, ठीक है, मिल लिए यहाँ से तो यही मिटकी है। बात है कि इन्होंने अपने सबके सामने बात हुई है, मुद्दा है मेन जांच का, जांच के लिए ठीक है। अब जैसे सुभाष गर्ग से मिलना अभी तो, और इसके साथ में आज अपन MN दिनेश जी, नाम सबको पता है, नाम ही ब्रांड है, उन तक ये शिकायत पहुंचानी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपन धरना स्थल पे चलो, वहीं सुभाष गर्ग कल गए थे अपन, वहां से एक या तो डेलीगेशन जाएगा MN दिनेश जी के पास, तो 5 जनों का तो एक बार मिलके अपनी चीजें देखो। इंजीनियर्स ने पिछली बार ऐसी तैसी करी थी और इंजीनियर्स ही इस बार वापस से इनकी खटिया उधेड़ते कते बक्या उधेड़ेंगे इस बार। CBI जांच अगर हो गई ना, अंदर तक से जो कते सिस्टम, मतलब अंदर तक से जो हो रहा है ना चारों तरफ सफाई हो जाए, वो खत्म हो जाए और राजस्थान में शायद आगे से हमें फेयर एग्जाम्स मिले। और एक अपन क्या रूल की मांग भी साथ में ही अब जोड़ेंगे कि भाई इस पर रूल बनाओ ताकि ये खत्म ही हो मामला। बार बार हर एग्जाम में सिंगल वन एग्जाम ऐसा नहीं जिसके अंदर दूसरे दिन खबर ना छपी हो अखबार, कोई डमी है, किसी का पेपर लीक है, किसी में मतलब क्या पकड़ में आ रहा है, जिनकी अब तक तारीखें चल रही है वो कल की डेट में फिर से छूट जाएंगे। और वही लोग जैसे जयन में जिन्होंने करा था भाई पकड़ में आया तो जी छोड़ दी गई, उन्हीं लोगों ने वापस धमाका कर दिया 8-8 साल वाले। मैं बता ही रहा था उन साहब को मैं PWJN बन रही थी। अपने हकों के लिए अपन को अभी और टिका रहना पड़ेगा। आप देखो इतने बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, एक साथ तो लखनऊ चले जाते हैं है ना, लेकिन उसका उसकी ना ही कोई सुनता ही नहीं उसकी। चल
अरे मैं कह रहा हूँ 50-50 दिन तक बैठे रहते हैं शहीद स्मारक पर, लेकिन इंजीनियर्स की यूनिटी ने 4 दिन में कान लाके खड़ा कर दिया। अभी मांग करते हैं हम कहीं नहीं जा रहे, हमारी सरकार को सब पता क्या चल रहा है कि क्या मतलब हमारे बच्चों की क्या प्रॉब्लम है, यही सॉल्व करेंगे। और लास्ट मैंने बता दिया, इससे मिल लिए, ये बच्चे हैं, इनके साथ में लगातार कोऑर्डिनेशन आप सबको पता है कि चल रहा है, और लास्ट हमें तो शिकायत पहुंचानी है जांच के लिए। अब धरना।